नवरात्रि का पर्व चित्तौड़ जिले में पूजा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में महंत राम नारायणपुरी के नेतृत्व में पंडित अरविंद भट्ट सहायक उप निरीक्षक बोर्ड से और मंदिर के कर्मचारियों की मौजूदगी में महाआरती कर हवन किया गया। इस अवसर पर शनिवार सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आवागमन आरंभ हो गया था। कोरोना संक्रमण के कारण आमजन का मंदिरों में प्रवेश निषेध किया गया है। नवरात्रि के सभी दिनों में मंदिरों में भीड़ नहीं हुई, लेकिन अंतिम दिन कई भक्त मंदिर पहुंच गए। इस दौरान मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई, साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग आदि की भी पालना सुनिश्चित की गई। मंदिर के प्रमुख महंत राम नारायण पुरी ने बताया कि इस बार एक तिथि कम होने से 8 दिन में ही शनिवार को नवरात्रि की पूर्णाहुति हो गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कोरोना संक्रमण को जल्द से जल्द समाप्त होने की प्रार्थना कर अपनी आहुतियां दी। रविवार से मंदिर कोरोना वायरस के अनुसार भक्तों के लिए खोला जाएगा, लेकिन प्रशासन के निर्देशानुसार रविवार को श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दौरान मंदिर के बाहर तक भक्तों का रेला लगा रहा। कोरोना संक्रमण के कारण एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, लेकिन भक्तों का आवागमन लगातार जारी रहा। नवरात्रि जो है पूर्ण हो चुकी है, नवरात्रि के पूर्णाहुति अभी हो गया है, एक तिथि इसमें कम पड़ गया था, इसलिए 8 दिन में ही नवरात्रि की पूर्णाहुति हो गई है। पंडित जी ने, भक्तों ने, सब ने मिलकर माता जी के मंदिर में नवरात्र की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। आगे भविष्य में माता जी से सभी भक्तों ने प्रार्थना किया है कि जो कोरोना महामारी है, ये जल्द से जल्द अपने देश से समाप्त हो जाए और देश की पब्लिक सुख और शांति से अपना कार्य करते हुए अपना जीवन का निर्वाह करते रहे। और मंदिर का जो पूर्व का जो नियम है, मंदिर खुलने का, बंद होने का, जो पूर्व में पहले नियम था मंदिर 6 बजे खुलने का और रात्रि को मंदिर 9 बजे बंद होता था, वो पूर्णतः अब लागू रहेगा। अभी 9:30 से सवेरे 6 से 8:30 बजे तक मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा।